अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फारिया बुखारी, आपकी बेटी, आपकी बहन, पाकिस्तान पार्टी से बात कर रही हूँ। और मैंने आपसे आज ये पूछना है कि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट और सेनेट एक दो दिन के लिए सस्पेंड कर दिए जाएं, या फिर उनकी पावर्स जो है वो फ्रीज कर दी जाए, तो उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? और अगर हम ये सस्पेंशन पूरे एक महीने के लिए ऑन अ ट्रायल बेसिस करें, तो उसका पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा? इन अदर वर्ड्स, मैं डिसोल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक थेरापीटिक ट्रायल की बात कर रही हूँ। जब मरीज का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है करना और ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, और आप चाहते हो कि मरीज को बहुत ज्यादा इलाज से नुकसान भी ना हो, और आपको मालूम नहीं होता कि आप जो करने जा रहे हो उसका इफेक्ट होगा या नहीं होगा, तो एक जो ड्रग्स आप मरीज को देने जा रहे हो इलाज के लिए उसका इफेक्ट होगा या नहीं होगा, तो एक चीज होती है थेरापीटिक ट्रायल, जिसको हम मेडिसिन में आम तौर पे कहते हैं कि अगर एक मरीज आया, उसको सोर थ्रोट है, उसका गला खराब है, आपके पास कॉन्फर्मेटरी एविडेंस नहीं है कि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन उसको बुखार है, आपको क्लिनिकल सस्पिशन है, आप उसे थेरापीटिक ट्रायल के तौर पे एंटीबायोटिक दे देते हो, और कल्चर्स आने से पहले पहले आप उसको जी पैक पे डाल देते हो या किसी और एंटीबायोटिक पे डाल देते हो। दिस इज कॉल्ड अ थेरेप्यूटिक ट्रायल, और इस थेरेप्यूटिक ट्रायल में आप देखते हो कि इस इलाज से मरीज को फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, और मरीज अगर सही हो जाता है तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ, ये इलाज मरीज के लिए सही था। तो पाकिस्तान जो है उसकी पार्लियामेंट भी अब एक मरीज बन चुकी है, एक पेशेंट की फॉर्म में है, क्योंकि इसको प्लेग किया हुआ है करप्ट पार्लियामेंटेरियंस ने। और इसका आपने अगर इसको थेरापीटिक ट्रायल देनी है, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि इसको आप इसकी पावर्स को जस्ट ऑन एन एक्सपेरिमेंट बेसिस एक महीने के लिए सस्पेंड करके देखें, एंड देन यू सी कि बिफोर यू सस्पेंडेड एंड आफ्टर यू सस्पेंडेड हाउ मच मनी डिड पाकिस्तान सेव ऑन लोन्स, ऑन ऑल द करप्ट एम्बेजलमेंट्स जो कि फॉरेन एड की फॉर्म में ये लोग एक्सट्रोट करते हैं पाकिस्तान के नाम पर, और जो इस्तेमाल नहीं होते, और उसके अलावा जो इनकी शाह खर्चियाँ हैं, उनकी जो फॉरेन ट्रिप्स हैं, डेलीगेशंस जाते हैं, इवन लोकली ये जो शाह खर्चियाँ करते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना पाकिस्तान सेव करेगा। और दूसरी चीज ये है कि आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान क्या इतनी करप्ट पार्लियामेंट के बगैर फंक्शन कर सकता है कि नहीं, क्योंकि मैं आपको यकीन करूं, यकीन से अगर आप चाहें तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख देती हूँ, गारंटीड पाकिस्तान कैन फंक्शन मच बेटर, पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर सकता है अपनी करंट पार्लियामेंट के बगैर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी फंक्शनिंग, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एक्सपोर्ट, हमारी इकोनॉमी, हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी, हमारे कम्युनिकेशंस के जो ट्रांसपोर्ट के जो जरिए हैं, इंक्लूडिंग PIA, जो हमारे नेशनल कैरियर्स हैं, हमारी रेलवे, हमारी बसेस, इवन हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देती हूँ, आप एक महीना ट्राई करो, यू विल सी फार बेटर रिजल्ट्स, फार बेटर रिजल्ट्स आपकी कम्युनिकेशंस में, आपकी ट्रांसपोर्ट में, आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, आपकी सेविंग्स होंगी। आप बाय द एंड ऑफ 30 डेज यू विल रियलाइज कि आपने इतना पैसा सेव किया है कि आप अपना कर्जा तक उतार सकते हो टू अ डिग्री,
एक महीने में तो खैर नहीं, लेकिन आई थिंक अगर आप एक साल इस पार्लियामेंट के बगैर, अगर आप अपने आप को ये सोच लो, अपने आप को बता दो कि हमें एक साल बगैर इन पार्लियामेंटेरियन बॉडीज के रहना पड़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देती हूँ कि यू विल सेव सो मच मनी कि यू विल पे ऑफ, आप अपना सारा का सारा कर्जा एक साल में पे ऑफ कर दोगे, क्योंकि ना आपके ऊपर कोई आपको इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट लोन्स का मसला होगा, जो कि ये पागलों की तरह, M&M's की तरह, जैसे कोई बच्चा M&M और कैंडी नहीं खाता, वैसे ये लोग हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये फॉरेन लोन्स खाते हैं और उनपे साइन करते हैं हाई इंटरेस्ट लोन्स, जिसका हमें तो कोई फायदा नहीं होता, ना नजर आता है। एक साल में आप अपने सारे डेट्स पे ऑफ कर दोगे, 1 ईयर, ओनली 1 ईयर। तो आप ये देखिए, जैसे मैंने बहुत पहले भी बहुत दफा कह चुकी हूं कि आप एक नौकर रखते हो और वो नौकर जो है आपके लिए लाइबिलिटी बन जाता है, आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी खर्चा स्कीम बन जाता है और आपके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो आप उसे फायर कर देते हो या उसको सस्पेंड कर देते हो या उसको कुछ थोड़ा बहुत कोई भी एक वार्निंग देते हो कि प्रोबेशन पे डाल देते हो कि अगर तुम ठीक नहीं हुए तो हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनकी इतनी थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है, आई डोंट वांट टू इवन रिपीट व्हाट दीज पीपल आर डूइंग। कल मैं 7 में थी और 7 के करीब मुझे हुआ कि मैं फार्मर्स के हालात पूछूं, तो वहां पर पता चला कि ये करमपुर के एरिया में ये मुराद अली शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और फार्मर्स जो है रो रहे हैं। और आपने वो वीडियो देखी होगी जो मैंने कल हमने लाइव वहां से ली थी, फार्मर्स का अकाउंट आपको बताया था। ये सिंध के फार्मर्स का सिर्फ हाल नहीं है, पंजाब के फार्मर्स का भी यही हाल है, शुगर मिल माफिया यहाँ पे इतना स्ट्रांग है। तो इनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो तो आपको हर टीवी चैनल पे हर कोई सुना रहा है, लेकिन हम बात करें सोल्यूशन की कि सोल्यूशन क्या हो, तो अच्छा अजान हो रही है तो मैं इंशाल्लाह ये सेशन फिर बाद में रिज्यूम करूंगी, अजान की ब्रेक ले लेते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।